नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। सीलापट पर सांसद का नाम नहीं लिखने पर नाराज कांग्रेसियों ने विभाग के कार्यालय पहुंचकर विरोध किया, धरना प्रदर्शन कर पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र की 4 महत्वपूर्ण सड़कों के कल हुए शिलान्यास में सीलापट पर सांसद गीता कोड़ा का नाम नहीं लिखा होने पर आज कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चक्रधरपुर के आरईओ ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर कार्यपालक अभियंता सुधीर कुमार का पुतला दहन किया। वहीं कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थित रहने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों के शिलान्यास में शिलापट पर सांसद गीता कोड़ा का नाम नहीं लिखा होने पर इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताते हुए पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बहुत पुरानी मांग रही है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में कल 4 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया गया और ये शिलान्यास कार्यक्रम में हमेशा से ये होता आया, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी योजना का शिलान्यास किया जाता है यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक मंत्री को शिलापट में नाम दिया जाता है, लेकिन आरओ विभाग के द्वारा कल ग्रामीणों को पुरानी मांग जो शिलान्यास किया गया उसका इसमें माननीय सांसद मैडम का कहीं भी नाम नहीं है। और सांसद का नाम नहीं होना मतलब ये जनता का जनादेश का अपमान है, चूँकि यहाँ की वो स्थानीय जनप्रतिनिधि है और उनका नाम नहीं देकर आरओ विभाग ने अपनी मनमानी की और सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के विशेष अधिकार का हनन किया और ये प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। अगर विभाग जल्दी इसको सुधारता नहीं है तो हम सभी लोग जब तक आरओ विभाग के दोषी पदाधिकारी बर्खास्त नहीं हो जाते उसको बर्खास्त करने का हम लोग संबंधित विभाग के मंत्रियों से भी सांसद से भी और डीसी से मिलकर उसको बर्खास्त करने की पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। और उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो जल्दी पूरे इस आरओ विभाग में तालाबंदी की जाएगी और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए हम केंद्रीय मंत्री तक को भी सूचना देंगे और उन पर कार्यकारी कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी सांसद के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी और जब तक उनको मान सम्मान नहीं मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के विरोध के बाद कार्यपालक अभियंता कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य का आह्वान का हवाला देते हुए कार्यालय में अनुपस्थित रहने की बात कही। कार्यपालक अभियंता ने विभाग की गलती को स्वीकार करते हुए इसे सुधारने का भरोसा दिलाया और कहा कि 2 दिन के अंदर गलती सुधार कर जिला पट पर सांसद और विधायक का नाम अंकित करने के बाद फिर से शिलान्यास किया जाएगा। किए गए शिलान्यासों का पुनः शिलान्यास माननीय सांसद और माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में की जाएगी। पुनर्शिलान्यासों की तिथि निर्धारण हेतु अधोष्टाक्षरी को 2 दिनों का समय दिया जाए ताकि संबंधित व्यवस्था में सुनियोजित किया सके। चाईबासा के पिल्लई हॉल में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण वितरण और जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा लाभुकों के बीच श्रवण यंत्र और वैशाखी का वितरण किया गया। शिविर का आयोजन श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, लायंस क्लब लावण्या और जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। शिविर के लिए पूरे जिले से करीब 200 दिव्यांग जनों का निबंधन किया गया था। शिविर के मौके पर पहुंचने वाले लोगों का भी निबंधन किया गया और उन्हें कृत्रिम अंग देने के लिए माप लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए जिस तरह से सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं उससे यह पता चलता है कि समाज की सोच बदल रही है। दिव्यांगों के सहयोग के लिए सरकार ने 2024 तक विभिन्न संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। सांसद ने DMFT फंड के जरिए भी इस कार्य को करने की बात कही। सामाजिक रूप से विभिन्न संगठनों का आना यह दर्शाता है कि अब माहौल बदल रहा है, सोच बदल रही है। सरकार ने ये निश्चय किया है कि 2024 तक बहुत सारे संस्थानों को जो हमारे दिव्यांगजन है उनके सुलभ उपयोग के लिए
उनको रेनोवेट करना है या उनको बनाने का काम ये सब करना है और भी बहुत सारी चीज़ होता है। आज हम इन लोगों को कृत्रिम अंग दे रहे हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे सभी सहयोगियों को, कि हम लोग कृत्रिम अंग दे रहे हैं तो हम उन्हें थोड़े से नॉर्मल लाइफ जीने की एक आशा और उम्मीद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से इससे आगे भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। यहाँ इसकी इतिश्री नहीं होनी चाहिए, इससे आगे की सोच यानी कि समाज को आगे आना होगा। जब तक समाज हमारा आगे नहीं आएगा तब तक हम इन लोगों का विकास नहीं कर पाएंगे। और ये हम सोच लें कि नहीं हम अच्छे भारत की अच्छे झारखंड की हम परिकल्पना करेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। चाईबासा में कृत्रिम अंग बनाने के लिए सेंटर की स्थापना की जाएगी और मोबाइल वैन के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार में घूमकर दिव्यांगजनों को सुविधा दी जाएगी ताकि उन्हें आसानी से और निशुल्क कृत्रिम अंग की सुविधा मिल सके। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इसके लिए सेंटर बनाने और मोबाइल वैन उपलब्ध कराने का आश्वासन संस्थाओं को दिया है। जैसा कि सहयोग समिति ने कहा कि वो लोग एक सेंटर यहाँ पर चाहते हैं, हम लोग एकदम तत्पर हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो लोग यहाँ पर सेंटर ओपन कर पाएँ ताकि ये जो कार्यक्रम है ये महीने में एक बार या साल में एक बार हम लोग ना करते हुए प्रतिदिन हम कर सकें, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ आ सकें और साथ ही साथ अपनी दिव्यांगताओं से संबंधित दिक्कतें जो हैं वो ख़त्म कर सकें। ज़िला प्रशासन का ये भी जोर रहेगा कि इस तरीके की गाड़ियाँ क्षेत्र भर में घूम सकें, क्योंकि हमने पाया है कि यहाँ पर हाट बाज़ारों में लोगों की खासी भागीदारी रहती है। लोग कहीं निकल के आए ना आए बट वो हाट बाज़ार में ज़रूर उपस्थित होते हैं, तो ये वैन्स जो हैं वो हाट बाज़ार तक पहुँच सकें और वहाँ लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें, ये हमारा ध्येय रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्कॉट एंड गाइड चक्रधरपुर मंडल के सदस्यों ने चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उराव को स्कॉट एंड गाइड कोटा से होने वाली बहाली पर रोक हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में कहा है कि बीते दो वर्षों से स्कॉट एवं गाइड कोटा से होने वाली बहाली पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण बहुत से स्कॉट के सदस्यों का उम्र सीमा समाप्त होने वाला है। विधायक ने उनकी समस्याओं को रेल मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में खुदरा की किल्लत और बैंक से व्यवसायियों को ऋण लेने में हो रही परेशानियों को लेकर पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजकुमार ओझा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल SBI के शाखा प्रबंधक से मिले। शाखा प्रबंधक अभय कुमार सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को जिले में हो रही खुदरा की किल्लत और छोटे व्यवसायियों को ऋण लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने का आश्वासन दिया और व्यापारियों को ऋण प्राप्त करने के तरीके भी बताए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारे नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। कांग्रेस भवन चाईबासा में गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सुमाई गागराई की शहादत दिवस मनाई गई। स्वर्गीय गागराई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय गागराई की शहादत दिवस पर कांग्रेसियों ने कहा कि वे सौम्य स्वभाव के थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार पूरी निष्ठा के साथ किया।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनके काम को सदैव याद रखा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से गुरुवार को बासाटोंटो गांव में 20 किसानों को बागवानी में पानी पटाने के लिए यंत्र का वितरण किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजम बिहारी ने कहा कि नदी और तालाबों के किनारे किसानों के द्वारा बागवानी किया जाता है, वैसे किसानों को अपने बगीचे में पानी पटाने के लिए यंत्र प्रदान किया गया है ताकि किसान बागवानी में पानी का पटवन कर सकें। चाबासा शहर में लीज धारियों को लीज नवीकरण में हो रही परेशानी को लेकर पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजकुमार ओझा सदर प्रखंड के अंचलाधिकारी से मिले। चाबासा में लीज नवीकरण को लेकर हो रही परेशानी से खास महल और लीज समिति के चेयरमैन इम्तियाज खान ने अंचलाधिकारी गोपी उराव को स्थिति से अवगत कराया। अंचलाधिकारी ने लीजधारी को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। श्री श्याम प्रचार मंडल की बैठक श्याम मंदिर में मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 50वां श्याम महोत्सव 28 फरवरी से 8 मार्च तक मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। 28 फरवरी से 6 मार्च तक शंभु मंदिर में संध्या 3 बजे से भगवत कथा होगी। सरकार 2024 तक हर घर को नल जल से जोड़ना चाहती है, इसके लिए जलापूर्ति को छोटी और बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कई प्रखंडों में जलापूर्ति योजनाओं का काम हो रहा है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जल जीवन मिशन के तहत तातनगर प्रखंड के सेरिंगबिल और खुटपानी प्रखंड के बड़ा चीरू और बिंज गांव में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। सेरिंगबिल में डीएमएफटी मद से योजना क्रियान्वित की जा रही है। 1,83,000 लीटर क्षमता के जल मीनार के माध्यम से क्षेत्र के 6 गांव के कुल 731 घरों तक पेयजल पहुंचाना है। पूर्वी खुटपानी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत विभिन्न क्षमता के 4 जल मीनार के माध्यम से कुल 36 गाँव को और पश्चिमी खुटपानी योजना के तहत विभिन्न क्षमता के कुल 9 जल मीनार के माध्यम से 79 गाँव में पाइपलाइन के जरिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी के पदाधिकारियों से योजना की अभी तक की प्रगति के बारे में जानकारी ली और तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अभियंताओं को निर्देश दिया कि घरों तक नल का कनेक्शन पहुंचाने का काम तेजी से पूरा करें ताकि समय से लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। मापतौल विभाग ने अनुगतियों का नवीकरण में हो रहे विलंब को लेकर चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल के नेतृत्व में श्रम एवं मापतौल विभाग के अधीक्षक शशि संगीता बाड़ा से मुलाकात की। साथ ही अनुगति नवीकरण नहीं होने से हो रही परेशानियों से अवगत कराया। श्रम एवं मापतौल अधीक्षक ने कहा कि विभाग में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की कमी की वजह से व्यवसायियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं बिस्टिपुर, टेलको, सरायकेला, घाटशिला और चाईबासा के प्रभार में है, जिसके कारण सप्ताह में एक दिन का ही समय दिया जा सकता है, जिसके कारण नवीकरण में विलम्ब हो रहा है। पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव 20 फरवरी को होना है। आज इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया। 7 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 38 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कल नाम वापसी होगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य और अंकेक्षक के एक एक पद के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा और 1,128 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के नामांकन के कार्य पर आरंभ की गई है। किस किस पद के लिए नामांकन हो रहा है? 7 पद और डेलीगेट। 7 पद में एक सभापति, एक उपसभापति, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक संयुक्त मंत्री, एक केंद्रीय सदस्य, एक अंकेक्षक। जो जिला के स्वीकृति बल है 100 का एक डेलीगेट। हजारीबाग जिले के बरही में रुपेश पांडे की हत्या घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया।
शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई के नेतृत्व में मशाल जुलूस की शक्ल में पहले शहीद पार्क और फिर जैन मार्केट पहुंचे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता रुपेश पांडे के परिजनों को न्याय देने और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई ने कहा कि हेमंत सरकार के राज्य में विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, रुपेश के हत्यारों को जब तक सजा नहीं दी जाएगी तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहेगी। पिछले दिनों सरस्वती पूजा के समय में स्वर्गीय रुपेश पांडे जी का जिस तरह से हत्या किया गया, ये गठबंधन की सरकार विधि व्यवस्था जो देखना चाहिए विधि व्यवस्था समाप्त हो चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है और रुपेश पांडे के हत्यारों को सजा मिले इसके लिए आंदोलन है। जब से ये सरकार बनी है सबसे पहले बहुत बड़ी घटना यहाँ घटी जिला में ही गुरी किला गांव में 7 आदिवासियों की हत्या कर दी। आज भी उस लोगों को कोई किसी तरह का न सजा हुआ है न कोई कार्रवाई। आज भी देखेंगे स्वर्गीय सुधीर पांडे जी की माँ बैठी 7 दिन से लगातार अनशन पे बैठी, इसको लेकिन आज तक सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। जब तक रुपेश पांडे हत्यारों को सजा नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करते रहे। पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य सुपाय बोदरा उर्फ सिपाही के सोनुआ बाजार के आसपास घूमने की सूचना पुलिस को मिली थी। नक्सली सिपाही सोनुआ थाना के केड़ाबीर गांव के टेंडरसाई टोला का रहने वाला है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए सोनुआ चेकनाका के पास से सुपाय बोदरा को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई कांड दर्ज हैं। पुलिस वरीय पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई ममस्ट का एक सक्रिय सदस्य जिसका नाम सुपाय बोदरा, जिसको सिपाही के नाम से भी जानते हैं, वो सोनुआ बाजार में घूम रहा है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत पुलिस निरीक्षक सोनुआ अंचल शंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के द्वारा उस स्थान पर जाके छापामारी की गई जिसमें कि इस व्यक्ति को वहां पर पाया गया। यह व्यक्ति पहले सोनुआ कांड संख्या 01/2021 में अभियुक्त है, तो उसको तुरंत हिरासत में लिया गया है। इस व्यक्ति जिसका नाम सिपाही बोल रहा है उस सिपाही इसके खिलाफ पूर्व में भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं जो कि सोनुआ गुदड़ी और कराई किला में विभिन्न मामलों में पहले से ही आपराधिक केसों में दर्ज है। तो इसी केस में टीम के बनाई गई थी जिसमें इसको पकड़ा गया है और ये काफ़ी एक्टिव सदस्य रहा है इसका, तो ये पुलिस के लिए एक काफ़ी बड़ी सफलता है जिससे कि क्राइम कंट्रोल में भी हमें थोड़ी मदद मिलेगी। सर इसके पास से कुछ सामग्री वगैरह मिला? नहीं, इसके पास से एक्चुअली ये जंगल में रहता है पर जंगल से मार्केट में घूमने आया तो कोई हथियार वगैरह साथ में लेके नहीं आया, बट इसका जो माओइस्ट से लिंक बड़ा अच्छा है तो इसके खिलाफ जो पूर्व में जो केसेस हैं काफ़ी सीरियस केसेस के अगेंस्ट में हैं। तो बहुत से कांडों में वांछित सर, कई मामले इस पर दर्ज हैं सर। ये सोनुआ थाना टोटल 11 केस दर्ज हैं जिसमें से ये सोनुआ गुदड़ी और कराई किला में इसके खिलाफ केस दर्ज हैं। राशन डीलर द्वारा खाद्यान्न वितरण में घपलेबाजी करने से नाराज ग्रामीण 15 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। यह वाक्या पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटघमरिया प्रखंड में सामने आया है। प्रखंड के दिकू बालकांड गांव के राशन डीलर सीता यादव, सहेली महिला मंडल और तारिणी महिला मंडल पर अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 का खाद्यान्न वितरित नहीं करने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि तीनों राशन डीलर का लाइसेंस रद्द किया जाए। ग्रामीणों के विरोध के बाद वरीय पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की निगरानी में राशन का वितरण किए जाने और किसी दूसरे डीलर से टैग किए जाने का आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त किया। तमाम ग्रामीण गोलबंद हुए, चिट्ठी जो है प्रखंड पूर्ति पदाधिकारी द्वारा निकाला गया है कि फरवरी माह का राशन डीलर जो राशन जो है जो भी संबंधित डीलर है
आपका सीता यादव शैली महिला मंडल ताली महिला मंडल के यहाँ से एक निगरानी टीम बना करके ग्रामीणों द्वारा उठाव किया जाएगा। और जो आपका मार्च महीने का जो भी राशन है विभाग के द्वारा जो भी अगल बगल के जो संबंधित डीलर उनके द्वारा टैग करके राशन उठाव किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।